भोपाल में आए दिन छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। इसको लेकर आम जनता ने सड़कों पर उतरकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की है। भोपाल में एक हफ्ते में तीन ऐसी दरिंदगी की घटनाएं निकलकर सामने आई है कि जिसे सोचकर भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। 5 साल की बच्ची को दुष्कर्म कर मार दिया गया। नाराज लोग घटना को अंजाम देने वाले दरिंदों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आम जनता का आक्रोश सड़कों पर आ गया है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इन हैवानों को फांसी दी जाए और फांसी का लाइव टेलीकास्ट किया जाए ताकि आगे कोई इस तरीके का अपराध न कर सके। देखिए, आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, पूरा भोपाल, पूरा मध्य प्रदेश आक्रोश में है। और हमारी, हम बता रहे हैं, हफ्ते 10 दिन से हमें नींद नहीं आ रही है। हम बड़े बेचैन हैं। हम अपने आप को, हमारे परिवार को बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि आज हमारी बच्चियां घर के बाहर भी नहीं खेल पा रही हैं। आज उन, आप किस विश्वास पे पड़ोसी यहाँ खेलने जाए? क्योंकि आज आपने कल का केस सुना होगा कि पड़ोसी ने भी क्या करा है। आज आप सोचो कि आपके बच्चियां स्कूल जा रही हैं तो स्कूल जाने में भी क्या हो रहा है? आपने कमला नगर स्कूल का भी सुना हुआ है। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो आप बताइए कि आपने बच्चों को कितना सिखाएं? हर माँ बाप चाहता है कि वो सिखाए, और सिखाते हैं, गुड टच बैड टच सिखाते हैं, उनको अच्छे संस्कार सिखाते हैं। लेकिन समाज में इस तरीके के भेड़िए जो घूम रहे हैं इंसानों के खाल के अंदर में, उनका आप क्या करोगे? उनके मन में डर कैसे पैदा करोगे? तो ये डर एक ही चीज से पैदा होगा, वो है फांसी। फांसी भी कैसी? 1 साल 2 साल के बाद नहीं, फांसी चाहिए हमें हफ्ते से 10 दिन के अंदर में फांसी होनी चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ एक बात हमेशा से कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो चीजें चल रही हैं, खासतौर से हमारी बहनें, हमारी बेटियां, मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ एक बात आती है कि लड़की कहीं भी सेफ नहीं है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, कहीं भी जा रही है, कहीं भी ट्रेवल। तो हमें एक ऐसा कानून बनाना चाहिए और हमें कुछ ऐसी सेफ्टी बनाना चाहिए स्पेशली लड़कियों के लिए, जिससे कि हम अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपने सबको सेफ कर सकें। हमारी सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है, वो सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।